नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में किराना घराने की एक खास जगह है, सशक्त पहचान है। इस घराने के बारे में बताने के लिए सिर्फ एक ही नाम काफी है और वो नाम है भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी जी का। हालांकि इससे पहले भी किराना घराना के जो संस्थापक कलाकार रहे उन्हें पूरी दुनिया में बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिला। उन्होंने भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की चमक, उसकी महक पूरी दुनिया में बिखेरी और हासिल की शोहरत, हासिल किया प्यार। उसी किराना घराना के संस्थापकों की परंपरा से आए हैं उस्ताद अमजद अली खान। किराना घराने के युवा गायकों में काफी मजबूती से उन्होंने अपने कदम जमाए हैं और आज रागगिरी में हमारे मेहमान हैं अमजद भाई। अमजद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो गुजारिश यही करूंगा, चूंकि बातचीत का सिलसिला तो लंबा चलेगा, लेकिन इस सीरीज की, इस इंटरव्यू सीरीज की रवायत ये रही है कि हम हमेशा अपने कलाकार से गुजारिश करते हैं कि वो कुछ भक्ति का सुनाए ताकि इंटरव्यू का एक अच्छा सा माहौल सेट हो जाए। तो आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि कुछ भक्ति की एक रचना सुनाइए और उसके बाद बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।
क्या बात है अमजद भाई। और मतलब अगर ये आपके बारे में जो ये बात कही जाती है कि किराना घराना जो है उसकी जो परंपरा है उसको आप बहुत ही मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो इस बात की झलक मिली आपकी गायकी में। और आपने बताया भी कि आपके घराने में गाया जाता है ज्यादा, लेकिन अमजद भाई ये समझना चाहूंगा कि शास्त्रीय गायकी के जो घराने हैं उसमें किराना घराना बहुत एक बहुत प्रोमिनेंट घराना है, बहुत सशक्त उसकी जगह है। और आप उस परंपरा से आते हैं जिन कलाकारों ने इस घराने की शुरुआत की थी, यानी अब्दुल वहीद खान साहब और अब्दुल करीम खान साहब। तो ये जो जिम्मेदारी है वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? देखिए, सच बताऊं तो जितना बड़ा वो लोग काम कर गए, मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना बड़ा काम कर सकूं। उन्होंने जितना बड़ा काम सौंपा है बुजुर्गों ने, उसके लिए हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। और ये तो अल्लाह को पता है कि वो किस हद तक हम नैया पार लगाएंगे, या जिस तरह भी है कोशिश कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि गाना बजाना बड़ा मुश्किल है। और जो उन लोगों ने एक जगह बना दी, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कि आज ख्याल में जो विलंबित होती है, जिसको विलंबित कहा जाता है, वो उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब की देन है, कि जो मेके मेरे परदादा थे। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि विलंबित आज हर घराने में हो रही है, हर घराना उसको फॉलो करता है। वरना पहले के जमाने में, जो हमने बुजुर्गों से सुना भी है और हम रिकॉर्डेड में भी देखते हैं, कि 5 मिनट का सिर्फ दुरुत्त हुआ करता था, कि उसमें थोड़ा सा बहलावा हुआ, उसके बाद 10-12 ताने जो भी जिससे गाई जाती थी आर्टिस्ट से, वो गाते थे। तो ये सिलसिला, जो इसका क्रेडिट जितना भी दिया जाएगा वो उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब को दिया जाएगा, कि उन्होंने जो 15 मिनट का गाना है उसे 1 घंटे का बनाया, उसकी ताल बनाई, 56 मात्रे का झूमरा बनाया जो कि वो गाते थे। उसके अलावा हर राग में उन्होंने बड़ा ख्याल किस तरह उसका विस्तार हो, उसको सिलसिले तौर पे, कि मंद्र सबका निषाद से लेके फिर मध्य सब, फिर मध्य सब के बाद तार सब का पोर्शन, फिर उसी तरह उसकी विलंबित के मतलब राग की सच्चाई भी रहे और विलंबित का सिलसिला बनाए, है ना, 1 2 3 4 5 जैसे काउंटिंग होती है, तो 1 उसी तरह मतलब उसका सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे घरानों में, मैं मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा देखते हैं कि अभी वो निषाद पे खड़े हैं तो पता लगा वो अभी मध्य सब की पंचम में भी पहुंच गए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद उन्होंने सा भी लगा दिया, खत्म हो गया सिलसिला। लेकिन इस घराने में सिलसिलेवार तौर पे राग की बढ़त की जाती है, राग की प्योरिटी पे ज्यादा ध्यान जाता है, इसका सरगम पैटर्न अलग है और घरानों से। वैसे तो सभी घराने बहुत अच्छे हैं, सबके बुजुर्गों ने बहुत बहुत अपना 50 या 99% दिया है, और बहुत बड़ा योगदान है हर सभी बुजुर्गों का, वो हमारे सर आंखों पर। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग करके गए, सभी हर घराने के बुजुर्ग, वो बहुत बड़ा काम कर गए। तो हम तो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, हमसे जितना संभलेगा वो मालिक को पता है। ये तो हो गई उस परंपरा की बात, उस विरासत की बात जो आपको मिला, वो आपके ऊपर ऊपर वाले की खुश नसीबी थी आपकी, या ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि आप ऐसे घर में ऐसे घराने में पैदा हुए। लेकिन ये समझना चाहूंगा कि आपकी संगीत तालीम कैसे शुरू हुई? क्या इसलिए शुरू हुई कि इस घराने में है तो संगीत ही सीखना है, या कुछ बचपन में ऐसी कोई घटना हुई जिससे संगीत शुरू हुआ? आपने कैसे सीखना शुरू किया? नहीं, एक्चुअली शिवेंद्र भाई, एक तो मेरे फादर भारतीय कला केंद्र में जॉब करते थे, और भारतीय कला केंद्र में वैसे तो मैं 5-6 साल का था जब से घर में गाना शुरू करा दिया गया था। फादर मेरे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे कामोद से शुरू कराया था, तो कामोद से मैंने उसकी मतलब इब्तदा उससे हुई, उससे मैंने शुरू किया। लेकिन ज्यादा इतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ा कि नहीं भाई आपको करना ही है, आपको ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन जब मेरे फादर की अचानक से एक दफा मतलब ऐसा हुआ कि वो जहाँ जॉब करते थे वहां से अचानक से वो छूट गया, तो सारी जिम्मेदारी जो थी वो मेरे ऊपर आ गई, कि भाई घर भी चलाना है और ये सारी सिस्टम भी, रियाज भी करना है, इसको लेके भी चलना है। तो वो सब चीजें आने के बाद, जो आधे घंटे का रियाज था उससे मैंने सोचा कि यार अब तो दाल गल नहीं रही, अब तो बढ़िया लेके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने मेहनत करी काफी, तो मतलब ये था कि कभी 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे हुए तो रियाज ही कर रहे हैं। तो इस तरह से मेहनत करके उस चीज को हासिल किया, और अभी भी कोशिश ये रहती है कि बुजुर्गों के पैर दबा के, वालिद साहब के या अपने मामू के, जिस तरह उनसे तालीम लेता हूँ, तो
तो ये है कि किसी तरह तालीम मिलती रहे, क्योंकि ये तालीम का सिलसिला अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, उनसे उनसे हमारा सिलसिला है, जो हम उनसे सीखते रहेंगे तो कुछ मिलता ही रहेगा हमें, जाहिर सी बात। जी अच्छा, आप जैसे, मैं आपको यंग आर्टिस्ट ही कहूंगा अभी, इसलिए क्योंकि आपकी संगीत की पकड़ से अलग, मैं आपकी उम्र के लिहाज से आपकी बात कर रहा हूँ। जब ये नए बच्चे अगर इस इंटरव्यू को देखें और उनको ये सोचना हो कि वो एक एक म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ये समझिएगा, वो एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, उनको संगीत सीखना है अगर मान लीजिए, तो वो क्या संतुलन होना चाहिए, किस तरह का संस्कार होना चाहिए? जो बात आपने कही कि पांव दाबे हैं बुजुर्गों के कफन आया है वाली बात, ये कैसे, जी, कितना समर्पण होना चाहिए संगीत के प्रति? देखिए इसके लिए एक जिंदगी कम है शिवेंद्र भाई, और ये इतना मुश्किल काम है कि जब ये आने लगता है ना तो और ज्यादा डर लगने लगता है आदमी को। जब तक हम सीखते हैं, जब शुरुआत करते हैं, हमने भैरव से शुरू किया या यमन से शुरू किया, तो हमें पहला स्टेज दूसरा स्टेज मिलता है, तो हम ये सोचते हैं यार आज हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे। लेकिन जब हमें इसके बारे में धीरे धीरे नॉलेज होने लगती है गाने बजाने के बारे में, कि यार इससे मिलता जुलता राग ये भी है, फिर ये भी है, ये भी है, जितना हम इसमें जाते हैं उतना डर लगने लगता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं इस घराने में पैदा हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि अपनी मेहनत जो है इंसान की, वो सबसे बड़ी चीज, कर्म की विद्या। क्योंकि जो इंसान कर्म ही नहीं करेगा तो अब चाहे वो घराने वाला हो या बगैर घराने का हो तो बेकार है मेरे ख्याल से। और वो घरानेदार ना हो के वो बगैर घराने का अच्छा है जो मेहनत करके आ रहा है, जो अपने आप को मेट रहा है, अपनी एफर्ट लगा रहा है। तो जरूरी नहीं है, जो इंसान सीखेगा अच्छे गुरु से और अपनी मेहनत करेगा और अपना एफर्ट लगाएगा, तो वो इंशाल्लाह जरूर, चाहे वो देर से आए लेकिन आएगा। तो मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहूंगा कि रागगिरी दरअसल एक मुहिम थी जो 2015 में हम लोगों ने शुरू की, और हम बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्कूलों में जाते थे, छोटे छोटे बच्चों के बीच, ऐसे बच्चों के बीच जिनके जिन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत के बारे में नहीं सुना, जिनको ये नहीं पता कि राग सही क्या बात, होते हैं, और अमजद भाई का उसमें बहुत सहयोग था। वैसे तो संगीत की दुनिया में लोग इनको उस्ताद आगे नाम के लगाते हैं, ये मेरा प्रिविलेज है, इनका प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अमजद भाई कहता हूँ इनको। तो मैंने वहां देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को अमजद भाई, जो बिल्कुल अननोन है म्यूजिक को, उनको भी ऐसा खोल देते थे 1 घंटे के सेशन में कि वो बच्चे भी इनके साथ सरगम शुरू कर देते थे। ये जो तरीका है, मैं इस तरीके पे आना चाहता हूँ अमजद भाई, कि एक तरीका तो ये है कि आप कहें कि शास्त्रीय संगीत बहुत बड़ा हवा है, इसमें तो मतलब इसको तो सीख ही नहीं सकता कोई, और बहुत टफ है, देखिए हम तो मतलब उम्र निकल गई या हमारे बुजुर्गों की उम्र निकल गई। और एक तरीका ये है कि आप कहें कि बेटा देखो, 7 सुर हैं, ये मैं पहले गाता हूं, तुम मुझे दोहराओ, यही आप करते थे, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए ये सोच मैंने अपने जो मेरे छोटे मामा हैं उस्ताद मुबारक अली खां साहब, वैसे तो दोनों ही लाजवाब हैं, उस्ताद मशकूर अली खां साहब, मुबारक अली खां साहब मेरे वालिद साहब, तो वो ये कहते हैं कि जैसे मरीज को डॉक्टर दवा देता है ना, तो उस तरह उस ट्रिक से आप बच्चों को देखिए कि बच्चे कितना, उनका पिकअप पावर कितना है, उनका स्केल सेलेक्ट करिए, उसके बाद बच्चों को शुरू करिए। आपको ये लगता है कि हाँ बच्चे बहुत शार्प हैं तो वो मुश्किल बल भी सीख जाएंगे, लेकिन आपको ये लगता है कि बच्चे बिल्कुल म्यूजिकल फैमिली से नहीं है और बिल्कुल म्यूजिक के बारे में नहीं जानते, तो ए बी सी डी या का खा गा गा जैसे हैं, तो उनको उस पलटे से शुरू करिए। अब वो जरूरी नहीं है कि वो भैरव का पलटा हो या यमन का पलटा हो, तो इस ट्रिक से, उन बुजुर्गों की ट्रिक से मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सिखाया जाए। वैसे अभी तो मैं खुद भी बच्चा ही हूं और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बुजुर्गों से लेने की, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है शिवेंद्र भाई। और पलटे बहुत सारे हैं, छूट के पलटे हैं, गमक के पलटे हैं, है ना, और बलदार पलटे हैं, बहुत सारे पलटे हैं जिनसे के बच्चे का गला भी निकलता है उस ट्रिक से। बहुत सारे गलों में क्या होता है कि बेस है लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाता, तो लेकिन उस क्या ट्रिक है जिससे कि वो तीसरे सब तक भी ऊपर तक जाए, बिल्कुल, मतलब तीनों ऑक्टिव में होकर आए। तो गाना बजाना जो अभी आप देखेंगे, मेरे दोनों मामू, मेरे वालिद साहब, मैं या मेरे छोटे भाई अरशद अली खान साहब, अल्लाह के करम से तीनों सब में गाते हैं, तीनों ऑक्टिव के अंदर। तो ये बुजुर्गों की तालीम है,
और ये ट्रिक के हिसाब से सिखाई गई है कि भाई ये वाला रियाज करेंगे तो ये इससे ये चीज ठीक होगी, या सपाट पे रियाज करेंगे तो उससे ये ठीक होगा। ये फार्मूले जो है बुजुर्गों के हैं जो थोड़े थोड़े हमें मिले हैं। जी आपने आपने अमजद भाई दो नाम लिया, एक उस्ताद मशकूर अली खान साहब का और एक मुबारक अली खान साहब का, और दोनों से आपको सीखने का सौभाग्य मिला। जरा इन दोनों कलाकारों के बारे में भी बताइए, इनकी इनकी क्या खासियत थी, इनकी तालीम में वो क्या था जो आपके जैसे कलाकार इन्होंने बनाए? देखिए, इनकी तालीम में सबसे खतरनाक चीज और सबसे अच्छी चीज वो रही सख्ती। क्योंकि मैं खास साहब के साथ वोकल सपोर्ट पे बैठता था और अभी भी बैठता हूँ जब वो हुक्म करते हैं, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कहीं 5,000 ऑडियंस है या 10,000 है या 50,000 है। जो गड़बड़ हुई तो उन्होंने पीछे पलट के डायरेक्ट यही बोला, क्या हो गया, अंधे हो गए? मतलब उस टाइम का डांटना उनका हमारे लिए सबक था। आजकल का ये हो गया है कि जो आप स्टूडेंट को डांट देंगे तो स्टूडेंट छोड़ के भाग जाएगा गुरु को। वो ये सोचता है यार इन्होंने तो डांट दिया मुझे, मैं नहीं जाऊंगा गुरु के पास। लेकिन उस डांट में उनका प्यार जो होता है वो नहीं समझ पाता इंसान, वो एक वक्त में आके समझता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, डांट के मार के प्यार से एक पलटे को कम से कम 500 बार बताया, लेकिन हमारे नहीं आ रहा दिमाग में। लेकिन जब वो दिमाग में आया तो फिर हमने सोचा कि यार ये क्या बेहतरीन चीज है ना। तो जैसे कि एक टोड़ी का पलटा है, सारे गा मे गा रे धा रे गा मा धा गा मा गा रे गा मा धा नी मा धा मा गा मा धा नी धा धा नी धा मा धा नी धा रे नी धा नी धा। अब ये ऊपर तक जा रहा है तीसरे सब तक, है ना। लेकिन इस पलटे को उस्ताद मशकूर अली खां साहब ने, मेरे मामू ने, कम से कम 500 बार तो कराया होगा। कलकत्ते में वो शेव कर रहे थे और मेरे से ये हो नहीं रहा था, वो शेव करते करते मुझे बता रहे थे दोबारा बोल, फिर मैं उसको बोल लेके जा रहा हूँ, नहीं गलत हो गया, फिर दोबारा बोल, कम से कम 500 बार। और जहां गलती हो रही थी तो वो डांट भी रहे थे, तू अताई है, तू बसीट है, तुझे आता नहीं। तो उनकी डांट आज समझ में आती है कि उन्होंने क्या बताया, समझे। तो और आजकल का दौर ये है कि उसको थोड़ा सा किसी बच्चे को कुछ बोल दो या तो पेरेंट्स को बुरा लग जाता है, बच्चे को बुरा लग जाता है, वो प्रोफेशन ही छोड़ देता है जो आना चाह रहा है। तो लेकिन उसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि उस्ताद या गुरु जिस डेडिकेशन से आपको सिखा रहे हैं उसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है उसके अंदर। अपनी चीज, अपना, अपने दिमाग की चीज आपके दिमाग में डालना, उस गले से निकलवाना, उसे उस तरह की अदायगी करवाने में बड़ा एफर्ट लगता है। और उस्ताद को बड़ी बड़ी ट्रिकें करनी पड़ती हैं कि भाई वो कभी किसी ढंग से सिखा रहा है आपको, कभी डांट से, कभी प्यार से, कभी कुछ करके। तो उस्ताद जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा जो कहा गया है, वो ऐसे नहीं कहता है, उसके अंदर बड़ी सच्चाई है बहुत ज्यादा। आजकल लोग नहीं समझते, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समझते भी हैं, 10 10 साल, 50 50 25 साल से एक उस्ताद के पास सीख रहे हैं और वो गाना बजाना कर भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आता, उनको जरा सी बात बुरी लग जाती है और वो छोड़ देते। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। इसी पर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और गुजारिश करेंगे कि जो आपके इन गुरुओं ने कोई एक राग जो आपको बहुत प्यार से सिखाया हो और जिसपे थोड़ी डांट भी पड़ी हो, वो राग आज हमको सुनाइए। सब में बढ़िया शिवेंद्र भाई, मैं सच बता, इसमें ये नहीं है। क्योंकि वो देखिए घरानेदार जो होते हैं ना लोग, उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती ज्यादा होती है। हाँ ये तो है। है ना, कि भाई ये आदमी कुछ बहुत अलग करेंगे या इस तरह का बल जाएंगे या इस तरह की तान जाएंगे कि यार जो दूसरे से नहीं होगी। अब उसके लिए पता लगा 2 2 घंटे उस्ताद जी लेके बैठे हुए हैं, गुरु जी लेके बैठे हैं, तो वो जो है ना एक मामला बड़ा खतरनाक होता है। और डांट तो हर राग में खाई है और अभी भी हमें ये लगता है कि अल्लाह उनको जिंदा सलामत रखे, वो हमेशा हमारे सर पे जिंदा सलामत रहे और हमें डांटते रहे, क्योंकि उनकी डांट जो है हमारे लिए सबक है।
इस दिलचस्प बातचीत में हम यहाँ पर एक विराम ले लेते हैं और कल हम फिर जुड़ेंगे रात 10 बजे और इस बातचीत के अगले हिस्से में होंगी कुछ और किस्से, कुछ और कहानियाँ, संगीत की कुछ और बारीकियाँ। तो कल एक बार फिर जुड़िएगा हमसे रात 10 बजे और इस इंटरव्यू के अगला हिस्सा ज़रूर देखिएगा।